एक्सरसाइज हम लोग 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम डू योरसेल्फ करके छोड़ दिए थे, लेकिन कुछ डिमांड है जिस वजह से इसको बनाना पड़ रहा है। क्वेश्चन क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। पहले तो हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करना, यानी डी निकालना, विभेदकर या विवेचक जिसको कहते हैं वो हमें ज्ञात करना है, उससे हमें पता चलेगा उसका अस्तित्व है या नहीं। अगर निगेटिव होगा तो अस्तित्व में नहीं होगा, डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो अस्तित्व होगा। निगेटिव कहने का मतलब होता है 0 से छोटा वैल्यू, जो भी हो तो अस्तित्व नहीं होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डी निकाल कर ये छोड़ देंगे। तो हम लोग इसका तुलना करते हैं, जैसे 2x² - 6x + 3 = 0 का तुलना मतलब होता है कंपेयर, तुलना ax² + bx + c = 0 से कर देते हैं। से करने पर हम क्या पाते हैं कि a बराबर पाते हैं, देखो ध्यान से, a की जगह पर क्या पाते हैं 2, b की जगह पर क्या पा रहा है -6 और c की जगह पा रहा है 3। अब हम निकालते हैं बी बे चक लिखो या विभित कर लिखो, यानी कि डी, तो डी बराबर होना जानते हैं हम लोग b² - 4ac, तो ये निकालते हैं, तो बी का वैल्यू क्या है, -6² - 4ac होता है। ए की जगह पर कितना है 2 और सी की जगह पर है 3, और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, निगेटिव पर पावर, इवन नंबर वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, -4 * 8 = 24 और घट के क्या देता है रिजल्ट 8 12 देता है ना, 12। तो 12 जो है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि डी बड़ा है 0 से, डी क्या है बड़ा है 0 से, चूंकि डी जो है बड़ा है 0 से इसलिए इसका क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, होगा, इसलिए इसलिए तो लिख देते, इसलिए बार बार क्यों, इसलिए क्या बोलेंगे, मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। अगर मूल का अस्तित्व है तो क्या करना है, कि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, उस मूल को ज्ञात करना है, यानी अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, या बोल सकते हैं x का वह मान ज्ञात करना है जिसको यहाँ पुट कर देंगे तो वह 0 दे देगा। तो हम लोग लगा देते हैं द्विघातीय सूत्र या सिद्धाचार के सूत्र से, द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं, या इसी को कहा गया सिद्धाचार का सूत्र। उन्होंने ही दिया था कि x बराबर होता है -b + √_dy/2a, ये फॉर्मूला दिए थे और इसका हम प्रूफ भी हम डाल चुके हैं कि x बराबर b की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखो तो -6 लिखेंगे, माइनस तो फॉर्मूला वाला था, तो ब्रैकेट -6 +√_d, और d बराबर क्या आया था मेरा 12 आया था, 12 / 2 * a, और a की जगह पर क्या है तो 2 है। तो एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेंगे वैल्यू को, x बराबर -6 यहाँ पर से +√_12/2 * 4। अब 12 का फैक्टर तोड़ के देखो तो क्या आएगा, देखो तोड़ के 2 से 6 2 से 3 जोड़ा आता है निकल के बाहर, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं x बराबर 6 प्लस माइनस जोड़ा था बाहर निकल के रूट अंडर में फंस गया क्या 3 और बाई 4, और यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा भेजा लगाए तो हम पाएंगे क्या चीज 2 कॉमन, क्योंकि 2 के टाइम में 2 भी आता और 6 भी आता, 2 कॉमन लेने के टाइम 2 के टाइम 6 कितना टाइम आता 3 टाइम आता, फिर प्लस माइनस यहाँ से लिख देते हैं √3 बाई नीचे में है 4, फिर 2 से 2 * 4 कैंसिल हो गया। एक बार हम लोग वैल्यू लेंगे पॉजिटिव में, एक बार वैल्यू लेंगे निगेटिव में, वही x का मान होगा, वही मूल होगा, वही अल्फा और बीटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे क्या चीज कि x बराबर एक बार लेते हैं 3 + √3/2, और दूसरा बार लेते हैं माइनस में, और दूसरा बार x बराबर लेते हैं 3 - √3/2, एक बार माइनस में ले लिए तो हमें क्या पता चल गया अल्फा और बीटा का मान, अतः इसके 2 मूल जो है अल्फा बराबर हमने पाया 3 + √3/2, जबकि बीटा बराबर हमने पाया 3 - √3/2, और यही दोनों इसका हो जाता है फाइनल आंसर, ठीक है।